गाइस, वेलकम और अनदर ब्लॉग। दोस्तों, अगर बोट का सफारी करना चाहते हो, आप अकेले भी जा सकते हो। पूरा बोट का अगर जो 1000 रुपीज़ आपको अकेले देना होगा, अगर आपका फैमिली के साथ भी जा सकते हो, पूरा बोट आप अकेले भी बुक कर सकते हो। अगर आप पर पेमेंट करके दोस्तों के साथ जाना चाहते हो तो दोस्तों के साथ भी आप जा सकते हो, बट आपका जो पूरा बोट है आपको बुक करना होगा। अगर आपको अकेले जाना है वो आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। आप जो टूरिज्म है उसके साथ भी आप जा सकते हो, तो उसके लिए पर पर्सन आपको 100 करके देना पड़ता है। तो अभी हम जाएंगे बोट में सफारी करेंगे। बोट आ गया है, इसके बाद जो नेक्स्ट बोट है उस बोट में हम जाएंगे। अभी वो जो फैमिली है उन लोग गया है, अभी पूरा बोट बुक है, 6 जन 900 रुपये। दोस्तों, हम लोग का बोट अभी आ गया, हम बोट में उठेंगे अभी। चलिए, गजब का सीन है। ओ भाई, पूरा समंदर लग रहा है।
कभी अगर आप बोट का सफरी करते हो तो ना कभी सामने मत बैठना, तो पीछे की तरफ बैठना तो आपका और भी मज़ा आएगा। अगर सामने बैठोगे तो पानी, जो सामने का पानी ना आपके मुंह की तरफ आएगा तो आपका आँख बंद हो जाएगा। तो अगर कभी बोट के सफारी करते हो तो पीछे की तरफ बैठना, तो आपको अच्छा व्यू भी अच्छा मिलेगा एंड देन आपको मज़ा भी आएगा, घूमने का मज़ा भी आएगा। अगर सामने बैठोगे तो आपको पानी जो है ना, सामने का पानी, बोट का पानी आपका पूरा आँख के अंदर आएगा, तो आँख में आपका प्रॉब्लम होगा।